नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचरण निःशुल्क क्लासेस में। देखिए, मैं जानता हूँ कि रीट का जो पेपर था वो बहुत साथियों के जो है वो बिगड़ गया है, किसी भी कारणवश हो, चाहे तो पढ़ने में कुछ कमजोरी रही हो या फिर पेपर अटेंडिंग में कोई कमजोरी रही हो, किसी न किसी कारणवश बहुत से साथियों का बिगड़ गया। चलिए मान लीजिए कि आपका पेपर नहीं बिगड़ता, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बात सोचिए आप लोग कि 17 लाख जहां स्टूडेंट बैठ रहे थे जबकि सिलेक्शन मात्र 33,000 का होना था, यानी आप समझ सकते हैं 16,67,000 स्टूडेंट को तो कहीं ना कहीं लास्ट में निराश ही होना था। ये जीवन में क्या है, ये एक युद्ध है, ये क्या है, एक युद्ध है। और युद्ध का नाम ही यही है कि आप अगर गिर गए हो तो फिर से उठो और लड़ो, आपको लड़ना होगा। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपको लड़ना होगा। अगर कि नहीं, रीट में सिलेक्शन हुआ नहीं, अब तो मैं तो लास्ट तैयारी थी, ये है वो है, अगर इस तरह से आप करोगे तो याद रखना कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। और यहाँ आपका लक्ष्य है, यहाँ आपका जो लक्ष्य है, और आप लगभग बढ़ते जा रहे हो और यहाँ आकर आप रुक गए और आप सोचते हो कि नहीं, अब मैं और नहीं चल सकता। तो याद रखना, लक्ष्य सिर्फ आपसे बस कुछ ही कदम की दूरी पर रहा था, लेकिन आपने यहाँ आकर हिम्मत हार दी, और ये हिम्मत हारी हुई आपको बहुत दुख देगी, बहुत पछताओगे आप। याद रखना, आपका काम है जहां रुके हो, यहां बाय चांस रुक गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ईश्वर ने मौका दे दिया, फिर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एक मौका दे दिया, और यहीं से ही वापस स्टार्ट हो जाइए, यहीं से स्टार्ट हो जाइए। अगला रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बेस्ट दीजिए, जो कमियां रह गई उन्हें सुधार कीजिए। और मेरा जहां तक मानना है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। गलती से मेरा तात्पर्य है कि आप में कहां कमियां रही, आप में कमी कहां रही है, उस चीज में सुधार करना ही होगा आपको, ये मान के चलें। उस चीज में अगर आपने सुधार नहीं किया तो फिर आप लोग बस सरकार को, सिस्टम को, इनको दोष देते रहेंगे। देखिए, जो नकल वगैरह ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात है कि जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना करते हुए आप घर पर नहीं बैठ सकते, आपको बाहर आकर निकलना ही पड़ा, क्यों, कोरोना को आपको साथ लेकर चलना होगा। वैज्ञानिकों ने भी लास्ट में यही कहा कि देखो, आप एकदम कोरोना से छुटकारा नहीं पा सकते, ये एक बीमारी है जिसे आपको साथ लेकर चलना होगा, हम रुक नहीं सकते, चलने का नाम जिंदगी है, चलने का नाम ही जिंदगी। इसी तरह ये जो जितनी भी अव्यवस्थाएं होती है, सरकार अपना बहुत अच्छा प्रयास करती है, सरकार दी बेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी देखिए, असामाजिक तत्व अगर हाथ में नहीं आ पा, मतलब कंट्रोल में नहीं आते, तो सरकार का दोष नहीं होता इसमें, आपको साथ लेकर चलना होगा, आप उनको दोष नहीं दे सकते। सब अपने अपने जो हथकंडे अपनाएंगे, क्योंकि सबको 33,000 में सीट चाहिए बस। लेकिन मानते हैं, मेहनत करने वाले साथियों के साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है, कोई बात नहीं, आप घबरा क्यों रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में वापस लग जाइए, अभी तक घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी में जितना मार्गदर्शन मुझसे हो सकता है उतना मार्गदर्शन मैं आपका करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आज की जो थंबनेल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हिंदी वैकेंसी आ रही है उसको लेकर हमारा, मेरी और आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या किताबें हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और मैं एक एक प्रश्न का आपको धैर्य से जवाब दूंगा, और आप जल्द ध्यान से सुनना भी, ठीक है, आपको निश्चित रूप से कुछ नई चीज़ पता चलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं सेकेंड ग्रेड और इधर मैं फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सब्जेक्ट याद रखना, दोनों पेपर की चर्चा करूंगा, लेकिन मोस्टली अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिंदी और फर्स्ट पेपर, ठीक है, हिंदी। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सर हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता, विज्ञप्ति जिसकी पहले आ गई उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फिर दूसरे का वेट मत कीजिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनमें से किसको चुनो, तो पहला तो विज्ञप्ति जिसकी पहले आई उसको चुनो, फिर दूसरा सीटें किसमें अच्छी आ रही है उसको चुनो, तीसरी बात यह रहती है कि मेरे हिसाब से जो भी अभी संघर्षशील साथी हैं, मैं उन्हें बेरोजगार नहीं कहूंगा, वो संघर्षशील हैं, वो अभी तक हार नहीं मान रहे हैं, इसीलिए वो बेरोजगार नहीं, वो संघर्षशील हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा संघर्ष करें, तो मैं उनको कहूंगा आपको सेकंड ग्रेड चुननी चाहिए। हाँ, जिन्होंने, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, MSc, BEd, वो बाद में, सेकंड ग्रेड चुननी चाहिए। क्यों, इसके पीछे देखिए,
जो 2016-18 इनमें जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जॉब में लग चुके हैं, वो सभी जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं वो सभी किस में हाथ आजमाएंगे? फर्स्ट ग्रेड में। जो कॉलेज एक्सटर्न में भी रह चुके हैं वो फर्स्ट ग्रेड पर कंसंट्रेट करेंगे, निश्चित रूप से वो फर्स्ट ग्रेड ही उनका टारगेट होगा। तो वहाँ एक अच्छा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, माना उनको समय कम मिलता है लेकिन वो मेंटली बहुत परिपक्व है, इस कारण से यहाँ थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है, यहाँ कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है मेरे अनुसार। ये मेरी राय है, व्यक्तिगत है, हो सकता है आप किसी और चैनल पर जाओगे वो आपको राय फर्स्ट ग्रेड की दे, वो एक अलग मैटर है। मैंने भी कईयों को फर्स्ट ग्रेड की राय दी तो उनकी पहले परिस्थितियाँ जानी और उनके उसके बाद मैंने कहा आप फर्स्ट ग्रेड की कीजिए, और कईयों को परिस्थितियाँ जानी तो उनको सेकंड ग्रेड का कहा। तो कहीं ना कहीं आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों थर्ड ग्रेड वालों से कंपटीशन करने के बजाय आप सेकंड ग्रेड को बेस्ट टाइम दीजिए और तैयारी हो भी जाएगी। अब रही बात, हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें आप जो पेपर है हिंदी का वो 300 नंबर का है और क्वेश्चन किसमें कितने आएंगे उसमें 150 प्रश्न आएंगे, ये आप सबको पता है, ठीक है। इसमें 9वीं से 12वीं हिंदी की किताबें हैं उनमें से प्रश्न आएंगे, 9वीं से 12वीं किताबों के हिंदी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब आपको किस पे फोकस करना है, देखिए सबसे पहले इसमें सेकंड ग्रेड के अंदर व्याकरण का भी अहम रोल रहता है, सबसे ज्यादा रोल आप यूं मान लीजिए लगभग, मैं नियर अबाउट बताऊंगा एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, लगभग 40 प्रश्न के आसपास व्याकरण रहते हैं। और मेन पार्ट इसमें एक ये भी रहता है शिक्षण विधियां, क्या रहता है शिक्षण विधियों का, मैं यानी लगभग 70 क्वेश्चन तो ये दो ही खा जाते हैं एक तरह देखा जाए तो, ठीक है। अब जो पीछे 80 क्वेश्चन है उसमें देखिए साहित्य भी है, ठीक है, उसमें स्नातक का पार्ट भी है, ठीक है, उसमें साहित्य हो गया, स्नातक हो गया, और जो किताबें हैं और काव्य शास्त्र है, ये चारों मिलके 80 क्वेश्चन करते हैं और ये 70 और यहां ये होते हैं टोटल 150। तो कहीं ना कहीं यहां पर व्याकरण का अच्छा रोल रहेगा और व्याकरण आपने रीट में बहुत बेस्ट तैयार कर रखे तो ये बेनिफिट एक तो आपको यहां मिलेगा। दूसरा, शिक्षण विधियां आपने पढ़ रखी है, आपको बेस्ट देना है, कहां गलतियां रही, कौन सी शिक्षण विधियां अच्छे से नहीं कर पाए थे, उन पर आपको फोकस करना है। तो ये 70 नंबर जो आपके पढ़ा हुआ आपके काम आ जाएगा, ये 70 नंबर आपके पढ़ा हुआ है और यही आपके काम आएगा सेकंड ग्रेड के अंदर। यहां पे इसका कोई रोल नहीं होगा, ध्यान दे दीजिएगा मेरी बात की और मैं तर्क के आधार पे बात करूंगा, ठीक है। अब रही बात 70 नंबर, और ये देखिए अगर 70 में से आप 68 भी ले जाते हो, कितने 68 क्वेश्चन भी, और कहते हैं होते नहीं है, होते हैं साहब, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं, ठीक है। अब रही बात साहित्य, स्नातक, किताबें और काव्य शास्त्र, तो ये 80 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन अगर एवरेज मानते हो तो यही रेशियो रहना है इसका, ठीक है। अब अगर 80 में से आप मान लो कि आप 70 या भाई 60 ही करते हो ना, तो भी 128 क्वेश्चन होते हैं, मैं एक न्यूनतम आहार बता, तो भी आप एक एवरेज तैयारी में 128 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। क्यों? क्योंकि आपकी बेस्ट तैयारी है और इसमें थोड़ा सा बेस्ट अगर प्लस भी 10 कर लेते हो तो 138 पे तो रैंक निकलेगी साहब। हाँ, फर्स्ट पेपर मायने रखता है लेकिन 138 पे तो रैंक निकलती है, 138 पे तो रैंक निकलती है तो सिलेक्शन होता है, इसलिए आपको सेकंड ग्रेड पे फोकस करना चाहिए। अब रही बात, आपके दिमाग में एक चीज आती है, सर किताबें कौन सी पढ़ें, ठीक है। तो देखिए 9वीं से जो 12वीं की हिंदी की बुक है उनमें लगभग 150 प्लस लेसन है, उन सब का तो मैं नहीं कहता लेकिन जो भी मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं। देखिए मैंने एक बात बोल दी कि जो भी मैं बैच स्टार्ट करूंगा उसमें जो मेरी जो मतलब दिव्यांग हैं या ठीक है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या फिर जो भी तलाकशुदा विधवा बहन है, ठीक है, और जो भी जरूरतमंद है, अपना एक हमेशा से सिद्धांत रहा है जरूरतमंद साथियों के लिए, तो उन सबसे एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उन सबसे एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनको बिल्कुल पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। मेरे पास आप में से बहुत से साथी जानते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उनको ये वादा किया है कि आपको कोर्स निःशुल्क मिल जाएगा, आप टेंशन मत लें। वो लोकेश पाल जो संभाल रहा है उसने यही कहा है कि सर से बात कर लूंगा, मैंने उनको कहा है ऐसे व्यक्ति आए। अब कुछ और भी कह रहे हैं सर,
जो भी फीस बताई जा रही है उसमें सर कुछ छूट करो, तो वो भी अब कर देंगे, वो भी आज शाम तक या आपको कल तक बता देंगे, वो भी आपकी छूट कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा देखिए फिर जो सेटअप है, मैं मेरे लिए कुछ नहीं रहा, जो सेटअप का लग रहा है बस वही चीज़ है कि जो इसमें लगेगा ना कागजगर, 50 टेस्ट है, PDF वगैरह, A to Z पूरे नोट्स तैयार करना, आपको अवेलेबल करवाना, तो बस वो लागत चार्ज वो देना होगा। इस बार मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, वही चार्ज आपसे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 150 लेसन है उसमें से पद्य भाग है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए कोचिंग से गाइडेंस करती है, आप कोई सी भी कोचिंग में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना आपको खुद को पड़ता है, आप कोई सी भी लो, मैं नाम ले दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आजकल क्या है थोड़ा सा नाम लेता है ना तो कहता है मेरा नाम कैसे ले लिया, मुझे बदनाम कर रहा है, सस्ती लोकप्रियता, इस तरह के कहते हैं। अरे भाई मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं एक बात बताता हूँ, आप जिसका भी कोर्स लोगे पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा पहली बार। फिर क्या होता है कि उसमें सर ये पार्ट हमें नहीं करवाया, सर ये चीज तो इंपॉर्टेंट थी, ये तो एकदम घास काट दिया, सर इसके तो केवल नोट्स दे दिए। मैं जहां तक जानता हूं कि तैयारी के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, और अपना पैसा जो है वो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है दुआएं कि जरूरतमंद साथियों से दुआएं मिले, बस अपना अपने खुश हैं। तो वो बात है कि मैं पद्य भाग सारा करवाऊंगा, 9 से 12 का जो पद्य भाग है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, गद्य जो होगा उनके बराबर टेस्ट होंगे, आपको 2 पाठ याद करने के लिए दिए, टेस्ट होंगे, ठीक है। साहित्य जो है वो एकदम ट्रिक से करवाया जाएगा और सेलेक्टेड नोट्स है, साहित्य में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, साहित्य में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, साहित्य में बाहर जाने नहीं दूंगा, बल्कि बाहर किसी में नहीं जाएगा। व्याकरण अपनी अच्छी है ही, ठीक है, व्याकरण अपने इतनी आती है कि विद्वान तो नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि अभी हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर तो बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि वाह गुरुजी ने वो नॉलेज ही को नहीं, ई को नॉलेज ही को नहीं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अरे यार तुम लोगों को समझ नहीं आता, मतलब इतने ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि जब तक ज़रूरत हो तब तक वो सब्सक्राइब कर दिया, अब सब्सक्राइब कम होने लग गए, अर्थात अब ज़रूरत नहीं है तो अब लीव कर दो, अब चैनल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात है कि साहित्य व्याकरण वगैरह में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ लोग मेरी जो आंसर की डाल रखी है उसको गलत बता रहे हैं, देखिए जल्दबाजी में डाली, मुझे खुद को पता है 5 से 10 क्वेश्चन उसमें अभी तक भी डाउटेबल चल रहे हैं, लेकिन सब डाल रहे थे तो मुझे एक बार की देनी थी, मोटा मोटी की देनी थी, मैंने दे दी। सर आपने बहुत 40% क्वेश्चन गलत बता दिया, तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे इसका मतलब रीट में तेरा सिलेक्शन ही नहीं करवाना है, 40% को गलत उत्तर बताया मैंने, फालतू बात कर रहा है ना। चलिए, और शिक्षण विधियाँ वगैरह ये मैं आपको अब की बार थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे कम समझाऊंगा, बल्कि क्या कहते हैं उसे ट्रिक से सेट करवाऊंगा, हाथों हाथ याद करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। काव्य शास्त्र एक अलग अंदाज में होगा, आपने मेरे काव्य के वीडियो देखे होंगे, काव्य शास्त्र एक, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्याकरण और शिक्षण विधियाँ, ये आपको बेस्ट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बोला है 50 टेस्ट वो मैं ले लूँगा, मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, निःशुल्क के भी बताऊँगा अभी वो कैसे चलेगा सारा बता दूंगा, ठीक है। तो 50 टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस के, और एक भी कम ना एक भी ज़्यादा, 50 का मतलब 50 है, ठीक है, एक ज़्यादा भले हो जाए एक कम, कम नहीं होगा। और रही बात जो दिव्यांग और जो देखिए क्या कहते हैं कि दोहों में बड़ी ताकत होती है, जो दिव्यांग भाई बहन है या जो जरूरतमंद भाई बहन है, मैं उन्हें दिव्यांग नहीं कहूँगा, मैं उन्हें किसी भी नाम से नहीं संबोधित करूँगा, जरूरतमंद भाई बहन है, उन जरूरतमंदों से मेरी एक बात कहनी है कि आपको जो मैं कोर्स देने जा रहा हूँ, एक तो आपको ईमानदारी से कईयों ने मुझे अपना भेजा है कि सर देखो ये मेरा सर्टिफिकेट है और मैं वास्तव हूँ, तो मैंने उनको कहा इसे बुरा मत मानना, ये मजबूरी है कि आपको पता है आजकल झूठ और कपट कितना चलता है, ठीक है। तो झूठ और कपट को से इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ, वरना मैं आपका ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाता, जैसे कि 12वीं क्लास के 4th पार्ट में कैमरे में बंद अपाहिज में उससे मजाक उड़ाया गया, वैसा मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा अपने को शुद्धता चाहिए जो भी अपन काम करें, इसलिए मुझे मांगना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ आपसे कि आपकी भावनाएँ आहत नहीं हुई होगी, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे बहन है उनका मैसेज आया, बोला सर मैं तो 1 रुपया भी नहीं दे सकती मेरा, और उन्होंने कारण बताया, वो कारण मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता, तो इस कारण से मैंने उन्हें कहा आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। लेकिन जरूरतमंद मेरे भाई बहनों, जो भी ये टेस्ट होंगे इसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स टेस्ट होंगे, उसमें आपकी रैंक नहीं बिगड़नी चाहिए, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं आएगी,
मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको डेली क्लास दूंगा, किसी दिन क्लास नहीं हो पाई तो उसमें सूचित कर दूंगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बस इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। देखिए अक्सर आप सुनते हैं कि वायरल होता है जब भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, तो अब की बार से ऐसा शायद नहीं होगा कि मतलब माइनस वाला है जो वो क्या कहते हैं टीचर बन गया, लेक्चरर बन गया, वो क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा। वो जो लांछन लगता है वो लांछन अपने पे नहीं लगना चाहिए। हम ऐसे टीचर बन के जाएंगे सरकारी विद्यालयों के अंदर जहाँ पे सरकारी जो शिक्षा है उसका स्तर को और बढ़िया करें। बहुत अच्छा स्तर है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं सरकारी विद्यालयों में, केवल यूं ही बदनाम किया जाता है सरकारी विद्यालयों तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और जो पिछले कुछ सालों से तो युवा आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं, और साथ में जब उनको बुजुर्गों का जो अनुभवी अध्यापकों का जो अनुभव को सीखने को मिलता है तो मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो आपको वहां जिस भी विद्यालय में आप जाओ तो एक बेस्ट टीचर बन के जाओ, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये शिक्षा का स्तर जो है उसको बढ़िया बनाने के लिए तो आप एक अच्छे शिक्षक बन के जरूर जाएं, इसलिए आपको अपना स्तर हमेशा बढ़िया रखना है, कोशिश आपको करनी है। बस मानो ही मत कि आपको किसी प्रकार का कोई आरक्षण मिलता है, जो ये मान के चलता है मैं एससी में हूं, मैं एसटी में हूं, मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मैं ओबीसी में हूं, मैं फलाने में हूं, मैं ढेमके में हूं, वो बंदा उसी हिसाब से तैयारी करता है। क्यों करते हो आप किसी भी कैटेगरी को, मैं ओबीसी से हूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, आप तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि हमें जनरल फाइट करनी है, दैट्स इट, जनरल ही फाइट करनी, दिमाग में जनरल को ही रखिए। मैं ये जनरल वालों का दुश्मन नहीं हूँ, इस बात को भी ध्यान रखें, जनरल वालों को मैं बहुत ज़्यादा सहयोग करता हूँ। वैसे भी यूँ मत सोचना कि सारे जनरल में आ जाएंगे तो हम काम मरेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब एक मान के चले, एक शिक्षा के स्तर की बात कर रहा हूँ तो वो बेस्ट सुधरेगा। आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, अच्छे टीचर बनोगे तो थोड़ा सा स्तर सुधरेगा, बच्चों को आगे बढ़िया पढ़ने को मिलेगा, है ना। अपने को एकदम ये नहीं कि बस शरणार्थी की तरह सिलेक्शन लेना, वैसे भी नहीं लेना, ठीक है ना। तो इस बात को प्लीज़ गलत मत ले लीजिएगा, क्योंकि आज का सिस्टम बड़ा है। अच्छी बातें वायरल कम होती है, अच्छी बातें शेयर कम होती है। कुछ गुरुजी के मुंह से अगर बाई चांस गलती से ही निकल गया तो उसको हवा बना दिया जाता है। तो मिसगाइड ना हो प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि नवीं से बारहवीं की आपको जो किताबें हैं उनके सारे लेसन पढ़ने होंगे, गद्य है पद्य है सब पढ़ने होंगे, व्याकरण तो है ही, सारी शिक्षण विधियाँ है ही, साहित्य है वो शॉर्ट में है, किस हिसाब से पढ़ना है वो अपन बताएंगे, स्नातक स्तर की जो पार्ट है उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, सिलेबस देखेंगे अपन, ठीक है। किताबें वो तो बात हो गई, और काव्य शास्त्र है जो अपने मिश्रा जी वाली जो काव्य शास्त्र है, अलंकार परिजात है, ये दो किताबें अच्छी है तो ये लाएंगे। अब आप पूछोगे सर साहित्य के लिए हम क्या पढ़ें, देखिए साहित्य के लिए आप अगर जो मिश्रा पब्लिकेशन है वो ले आते हो तो बेस्ट है, प्रतियोगिता दर्पण जो है, प्रतियोगिता दर्पण वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। और मैं सेकंड ग्रेड के लिए आपको ये जो शुक्ल नगेंद्र वगैरह सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। तो मिश्रा प्रतियोगिता लक्ष्य गाइड वगैरह जो भी एक किताब हो, एक गाइड आपको रखनी है, बाकी आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, एकदम से आप मत पूछना, ठीक है। अब रही बात फर्स्ट पेपर की, मैं इसी की बात कर रहा हूँ एक बार, इसमें जो फर्स्ट पेपर है, यहाँ मिटा देता हूँ, यहीं करता हूँ सारी बात इसकी। देखिए इसमें फर्स्ट पेपर में, देखिए मेरा मानना है कि एक तो मनोविज्ञान जो है उसके 20 क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं 20, एक राजस्थान जीके जो हैं उसके हैं 40, कितने हो गए 60, और भारत और विश्व के 30 क्वेश्चन हैं, भारत और विश्व जीके के 30 क्वेश्चन, 40, 70, 80, 90 और करंट जीके के 10 क्वेश्चन हैं, ये है 100 का आंकड़ा। तो देखिए अब आप कहोगे गाइड कौन सी, मैं आपको अभी से ही बोल देता हूं, लक्ष्य या पैनोरमा, मेरे हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो मैं इन दो गाइड को सजेस्ट करूंगा, दैट्स इट, बस इन दो को सजेस्ट करूंगा। किसी को दिशा अच्छी लगती है, किसी को फर्स्ट रैंक बहुत अच्छी लगती है, सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग राय है, कुछ लोग आप पे ही छोड़ देंगे आपको जो अच्छी लगे ले आए, लेकिन मैं कहता हूं कि इन दो में से एक पकड़ लो अभी से, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो और मनोविज्ञान के लिए इस मंच से एक ही बात बोलता हूं, वंदना जादौन जो किताब है वो आपका बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब मानी जाती है मनोविज्ञान की, और उसके बाद जो अवनी प्रकाशन है धीर सिंह जी वाली किताब वो भी अच्छी मानी जाती है। अच्छी किताबों को मुझे प्रचार करने में कोई दो राय नहीं है, अच्छी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए और बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में नो कमेंट्स वाली स्थिति आज के समय में बहुत बेस्ट है, ठीक है। आलोचना करने का मतलब है आ बैल मुझे मार, तो इसलिए आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। किसी के बारे में आलोचना नहीं करनी है कि कौन सी किताब घटिया है कौन सी बढ़िया है, क्लियर बात है। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको बता दी, मतलब जीके के लिए मैंने आपको ये बता दी, और करंट के लिए देखा जाए तो क्रोनोलॉजी बेस्ट है,
क्रोनोलॉजी जो है वो बेस्ट है। आप पिछले एग्जामों को मत देखना कि पिछले में 5 साल से पहले पूछ लिए, 2 साल से पहले पूछ लिए, ये चीजें मत देखना। मनोविज्ञान अवनि बता दिए और जीके के लिए ये। अब आते हैं हम फर्स्ट ग्रेड हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या बीएससी के बाद जिन्होंने एमए हिंदी में कर रखी है क्या वो पेपर दे सकते हैं? तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगा यस, वो पेपर दे सकते हैं। अभी के जो नियम अनुसार वो पेपर दे सकते हैं, और 2021 शिक्षा नीति लागू हो जाती है उसके बाद तो वैसे भी दे सकते हैं, तो उनके लिए अभी कोई मनाही नहीं है, तो वो आपका आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ हिंदी का सिलेबस चेंज हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि सिर्फ 11th और 12th की किताबें लगेगी काम में। कौन सी लगेगी? 11th और 12th की लगेगी, 9वीं 10वीं की किताबें हट जाएगी, यानी जो क्षितिज और कृतिका है वो हट जाएगी। यहां साहित्य का अहम रोल होता है। साहित्य के 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? और ये 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 के साहित्य हो गया, लगभग 40 प्रश्न आते हैं। उसके बाद ये 11th 12th की किताबें तो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें भी मैं पद्य भाग में करवाऊंगा, आपको मैंने बता दिया। अब रही बात जो काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के दो भाग हैं, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 10 प्रश्न आएंगे, ये फिक्स है, और शायद 10 क्वेश्चन इसके हैं शायद, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन इसके हैं। उसके बाद इसमें जो व्याकरण, ये मिस कॉल कौन कर रहा है भाई, ऐसे मत करो, अभी मिस कॉल नहीं करना है। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ व्याकरण। इसमें व्याकरण का बहुत कम रोल है, कम रोल है। कैसे है? क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे संधि है, समास है, ठीक है, और उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो व्याकरण का थोड़ा कम रोल रहता है। लेकिन जो भी व्याकरण आती है वो लेवल की आती है भाई साहब, अति लेवल की है। हाँ, लेवल की आती है, ये याद रखना, क्वेश्चन का मतलब लेवल की आती है। और साथ में इसमें एक अहम योगदान है, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं हिंदी के पेपर में। वहां ये किस में आ रहे थे? फर्स्ट पेपर जीके में आ रहे थे। यहां ये 30 प्रश्न आते हैं, और 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। किताब पूछोगे तो एक ही बात बोलूंगा, मिश्रा पब्लिकेशन, और इसके अलावा अगर आप शुक्ल नगेंद्र भी थोड़ी बहुत पढ़ते हो, जहां तक जरूरत नहीं मिश्रा पब्लिकेशन ले आओ, बट बेस्ट किताब है, ठीक है, मैं उसी किताब को सजेस्ट करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं खुद कोई और पढूं, आपको गलत सजेस्ट करूं, ऐसा अपना सिद्धांत नहीं है। आप यूं समझ लीजिए कि मैं भी फर्स्ट ग्रेड तैयार करूंगा तो वही पढ़ूंगा, और मैं तो फिर मेरे नोट्स हैं वही पढ़ूंगा, और आपको भी नोट्स ही करवाऊंगा, आपको भी मैं मेरे नोट्स ही करवाऊंगा। जो मुझसे करेंगे उनको नोट्स कैसे याद करने हैं वो नरेंद्र दानचारण की आप टेक्निक्स देखिएगा, और आपको वो मैं जानता हूं कि मुझे आपको कैसे याद कराना है। बस मैं चाहता हूं कि समर्पण आपका भारती पुनिया की तरह होना चाहिए कि गुरुजी थे तो मन बता दो कितो याद करना है, और कहीं कहीं पढ़ना पेपर में बार नहीं जाना चाहिए, बाकी थे वहां पर छोड़ दो। और यही हुआ कि बंदी ने छठी रैंक निकाल ली। ग्रेटफुल टू भारती पुनिया, मैं उसका आभारी हूं कि उसने मेरा एक जो सपना था कि टॉप 10 में आने का उसने पूरा किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं उस बहन का, मैं तो उसे छोटी बहन ही मानता था वैसे भी, तो उसका बहुत बहुत आभारी। तो समर्पण वही चाहिए, वो समर्पण नहीं होता ना तो मजा नहीं आता, फिर समर्पण वो होना चाहिए। मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, लोग 28-29 तो वैसे ही करके आते हैं, तो ये एक पार्ट होगा। साहित्य पे आपको जोर देना है। काव्य शास्त्र जो है वो मिश्रा पब्लिकेशन वाली है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नोट्स हैं वो काफ़ी हैं, इसके अलावा कुछ किताब मत पढ़ना। 11th 12th की किताबें करवा दूंगा, ठीक है, पद्य भाग करवा दूंगा। इसके अलावा व्याकरण में उनके वो जो क्या कहते हैं थोड़े से रचनात्मक प्रश्न है, कविता कहानी उपन्यास के, और साथ ही अपने क्या कहते हैं उसे एक वो है ना ये कार्यालय पत्र वगैरह, वो सारे आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक अहम रोल है। इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे, और टारगेट हमेशा चाहे रीड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि 130 तो कम से कम होने चाहिए। रीट में बोला था कि नहीं बोला था आपको? बोला था, नहीं कर पाए, इट्स ओके, भूल जाइए। रीट बीतीता ही विसार दे आगे की सुधी ले, अब भी बोल रहा हूँ 130 दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, 130 विजय सुनिश्चित है, इस तरह रहना चाहिए। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट पेपर की ओर बात करते हैं, बहुत अहम रोल होगा फर्स्ट पेपर का, ठीक है, बहुत अहम रोल होगा फर्स्ट पेपर का। देखिए यहां बड़ा खतरनाक काम होता है फर्स्ट पेपर। क्वेश्चन आते हैं मात्र 75, अब आते कैसे?
सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन 15 क्वेश्चन, इतिहास कितने 15 क्वेश्चन, सुनते जाना, करंट जीके 10 क्वेश्चन, विज्ञान 5 क्वेश्चन, गणित 8 क्वेश्चन। गणित से पहले मैं एक दूसरा लूंगा, राजस्थान भूगोल 5 क्वेश्चन, गणित 8 क्वेश्चन, रीजनिंग 4 क्वेश्चन, हिंदी 4 क्वेश्चन, अंग्रेजी 4 क्वेश्चन। जोड़ते हैं, देखें 15, 30, 40, 50, 58, 62, 62 और 4 हो गए 66, 66 और 4 70। 5 क्वेश्चन कौन से रह रहे हैं भाई, एक चीज रह गई, हाँ राजनीति विज्ञान नहीं लिखा, राजनीति विज्ञान के भी 5, और ये होते हैं आपके 75। देखिए मैंने कोई अभी मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, कि मुझे हमेशा एक स्टूडेंट को सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए ताकि वो उचित रणनीति का निर्माण कर सके। अब सोचिए आप लोग इसमें क्या होता है, लगभग जो 45 के आसपास पहुंच जाता है ना, पेपर सरल हो तो 45 से प्लस, और पेपर कठिन हो तो पिछली बार 33 में 30 में भी काम चल गया था, वो पेपर के स्तर पर डिपेंड होगा। कुछ लोग पूछते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी, अरे भाई पेपर हुआ ही नहीं तो कट ऑफ पूछ रहा है, कमाल की बात करता है, कट ऑफ मत पूछो अभी, ठीक है एक बात बता रहा हूं। तो अब देखिए हमारी तैयारी, हमें इन दो पार्ट पर, सॉरी तीन पार्ट पर विशेष फोकस करना चाहिए, 40 क्वेश्चन पे। अगर हम इस 40 में से 30 क्वेश्चन भी ले पढ़ते हैं तो हम काफी कुछ आगे निकल जाते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए हिंदी, अंग्रेजी और ये रीजनिंग और एक गणित मान, इनमें से 4 है, 2 पे लोगों की कमांड जरूर होती है। जैसे मैं अगर आप बताऊं तो मान लो जैसे मेरा हिंदी और रीजनिंग पे, मैं मानता हूं गलत नहीं करूंगा, तो यहां पे मैं किसके कितने क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा, 8 में से चलो 7 ले पाए, अपन कम में चलेंगे। तो कोई इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी करेगा, तो कोई गणित और रीजनिंग अच्छी करेगा, तो अब गणित और रीजनिंग जो अच्छी करेगा वो मान लो 4 के बाद वही बात है कि 6-7 क्वेश्चन ले जाए गणित में से, मान लो एक और गणित को मैं छोड़ रहा हूं, मान लो अपन हिंदी वाले हैं अपने गणित आती नहीं, गणित को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है गणित अपने को आती नहीं, बस अपन कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में 1 या 2 प्रश्न जो हैं वो सही कर सके। गणित को हम तैयारी नहीं कर रहे, सोच कर देखिए गणित को हम तैयारी नहीं कर रहे। राजनीति विज्ञान है, कोशिश करेंगे इसमें से 3 प्रश्न अपने कहीं नहीं जाने चाहिए, न्यूनतम तैयारी 5 की करेंगे हम, न्यूनतम लेके चल रहे 3 नहीं चल रही। विज्ञान की कोशिश करेंगे चलिए हम 2 ही लेके पाए, हम हिंदी वालों की बात कर रहे हैं कि हिंदी वाले कैसे तैयारी करें, ठीक है जिनकी मैथ कमजोर होती है। राजस्थान भूगोल में से अपने को 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने चाहिए। अब देखिए 30, 4, 2, 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 4, 2, 6 और 6, 12, 13, 14, 15, 18, तो यानी 18 और 30 कितने हो गए 48 क्वेश्चन। अरे भाई साहब फोकट में इस गणित के चक्कर में मरते हो, ये गणित का टाइम दूसरों को दिया तो 48 तक तो तुम वैसे ही पहुंच रहे हो, क्यों घबरा रहे हो फिर, ये टाइम इनको दो ना ताकि 30 से कुछ 32 तो हो तो 50 तो हो जाए, ये रणनीति होती है। इस रणनीति से अगर इसको पेपर का तय, देखिए छोटा मंच जरूर है, छोटा का मतलब नया मंच जरूर है यूट्यूब पर, मगर बात जमीन से जुड़ी हुई करता हूं, रणनीति बेस्ट बताता हूं, कोई फॉलो करने वाला चाहिए। लेकिन नहीं साहब हम तो रेड रेस ज्वाइन करते हैं भेड़ चाल के, बी चैनल और सब्सक्राइबर 10 लाख है नहीं बीर की देखो। अरे हकीकत बात यह है कि घर का जो कि जोगनार आन गांव का सिद्ध, मतलब मेरे साथ रहने वाले पूछते हैं कि यार हिंदी की कहां से मिलाऊं। भाई साहब बड़ा बुरा लगता है कि इतनी इज्जत से बेइज्जती हुई है, ठीक है मैं आपसे अब वो कहते ना कि एक परिवार की तरह चर्चा करता हूँ, मतलब सोचने वाली बात है, उन्हें लगता है कि तो हमारे साथ रहता है इसको हिंदी कुछ आती नहीं है, और वही बात है, और जबकि वहां देखते हैं कि गलत, अब कुछ लोग मेरी कमियां निकल, अरे मैं तो खुद कहता हूं यार गलतियां रह जाती है, फिर अब बार बार वीडियो दोबारा से तो बनता नहीं, तो गलती सही थी अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन मैं बाद में हटाने की कोशिश करता हूं, मतलब सोचने वाली बात है, कोई रणनीति फॉलो ही नहीं करता ना, फॉलो करे तो सक्सेस भी होंगे, अगर नहीं होते तो कम से कम 100 से 125 मैसेज ऐसे आए कि सर आपके चैनल से हमें फायदा हुआ था, सर आपके चैनल से हमें बहुत फायदा हुआ, तो क्या वो मूर्ख हैं या फिर क्या मैंने ऐसे ही टाइम पास किया था, मतलब रीड के पेपर के बाद में मेरे सब्सक्राइबर कम हुए हैं, एक भी बढ़ा नहीं है, रीजन क्या है, सेल्फिशनेस कि अब काम हो गया अब चलो इस चैनल अनसब, अरे यार
कोई आदमी कोशिश कर रहा है सब्सक्राइब बढ़ाने की, इसीलिए मैं कहता हूँ आप पढ़िए, निःशुल्क पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा, टाइम मैं दूंगा आपको, 2 घंटे डेली दूंगा, और बोलो आप बस अच्छे लोगों को जोड़िए, इतना काम मेरा कर दीजिए, इसके ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, बस अच्छे लोगों को जोड़िए। तो ये रणनीति से अगर फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं 48, और उधर हम 150 में से, एक बात है कि अगर 130 वाले मान के चलते हैं तो भी आप देखिए 130 8 4 3 7 कितने हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, और 178 आप कर लीजिए इंटू 2 2 6 15 5 356 नंबर होते हैं। टॉपर बनोगे क्या, टॉपर बनोगे हैं, टॉपर कैसे बनोगे हैं, 120 और 48 कितने हुए, मैं तो 120 मान के चल रहा हूँ मैं हिंदी में, तो वो भी देख लीजिए 326 के करीब आ जाएंगे क्या, कितने हो गए रे, एक अब देख लीजिए कितना हो रहा है, 336 नंबर, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है साहब, हिंदी में अगर 120 भी बने और इधर 48 क्वेश्चन हुए तब भी सिलेक्शन हो रहा है। रणनीति तो एक से बढ़कर एक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना मुझे अच्छी तरह से आता है, बस तुम तैयारी करने के लिए तैयार हो तब तो मैं तुम्हें, व्हाट्सअप नंबर है 70 23 92 97 87, और व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर दें, कोई भी समस्या हो वो आपको जवाब दे देगा, जो भी मॉडरेटर है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो मुझसे बात कर सकते हो, तैयारी करनी है तो जुड़ें, नहीं तैयारी करनी है तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। अब मैं एक छोटी सी लास्ट 2 मिनट की बात और करना चाहूँगा, देखिए अब जो रही बात निशुल्क जो YouTube अपने हैं, इस YouTube पे जो चलेगी क्लासेस वो बराबर चलती रहेगी, अब आप पूरा सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से मैं वहां नहीं करवा पाऊंगा। अब कहीं होगा सर आप इतना कमाते हो, एक मत देखो भाई, सब आदमी दो पैसे के लिए दौड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब आदमी दो पैसे के लिए दौड़ता है, और फिर भी अगर वो चाहता है कि बस अगर मान लो ज़्यादा ज़्यादा हेल्प करने के बावजूद अगर दो पैसा बचे तो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होती है, ठीक है, फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, मेरा हमेशा मेरे गुरुजी की तरह जो है हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे पैसा रहा है, तो आप ये इल्ज़ाम कभी मुझ पर ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा अभी बाद में, आपको जितने भी जो साहित्य है, ठीक है, और जो अपने क्या कहते हैं उसे पद्य भाग है, ठीक है, काव्य शास्त्र है, ठीक है, इन सब के आपको जो भी कठिन टॉपिक आप बोलोगे सर ये टॉपिक करवाओ, वो मैं आपको निःशुल्क यूट्यूब पर करवाऊंगा, क्लियर बात है, वो सब के लिए, जो दूसरी कोचिंग से पढ़ रहे हैं दूसरे यू चैनल से पढ़ेंगे उनको भी अगर लगे कोई टॉपिक अगर उन्हें वहाँ समझ नहीं आया है और वो मुझे अगर कहते हैं सर ये टॉपिक मैंने वहाँ पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे बताएं तो मैं उनको निःशुल्क करवा दूंगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब रही बात, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर आप फर्स्ट पेपर भी यूट्यूब पर करवाओगे, देखिए अभी फिलहाल इसका कोई विचार नहीं है, फिलहाल अभी वैकेंसी नहीं आती तब तक इसका कोई विचार नहीं, तब तक सब्जेक्ट तैयार करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जैसे ही वैकेंसी आती है इस फर्स्ट पेपर को मैं 101% आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, दैट्स इट, 101% आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, कब, वैकेंसी आने के बाद, क्लियर बात है, वैकेंसी आने के बाद करवा दूंगा, ये अपना वादा है। तो मैं जहां तक समझता हूं कोई प्रश्न नहीं रहा होगा, आप सारे समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और कैसे कहना चाहता हूं, कोई भी समस्या है व्हाट्सएप पर विस्तार से एक मैसेज में लिख के नाम जिला और समस्या लिख के मुझे मैसेज कर दें, रिप्लाई आपको पक्का मिलेगा, ठीक है, और फिर भी कोई समस्या हो तो मुझसे कॉल पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है, और जहां समय मिला तो एक बहुत ही 15,000 से 20,000 लोगों के सर्वे के बाद कट ऑफ का असली अनुमान मैं बताऊंगा आज रात 9 बजे, ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं इस रणनीति से आप सेटिस्फाइड होंगे और अब आप जोश और जुनून के साथ कमेंट्स में बताएंगे कि सर हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक टू यू।